सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई टी आई डेली जॉब अपडेट पर। गाइस आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज़ आई टी आई पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आई टी आई से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की लेकर आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं आई टी आई पास आउट छात्रों के लिए निकलने वाली हर सरकारी भर्ती की अपडेट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं आई टी आई पास आउट छात्रों के लिए एक अच्छी रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही है, टेक्नीशियन की भर्ती है, टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन। साथ ही साथ यहाँ पर MTS की भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें भी सिर्फ ITA पास आउट छात्र एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 की सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है, 25,500 रुपये से 81,100 रुपये पर मंथ वेतन मिलने वाला है। ITA पास आउट कई सारी ट्रेड के छात्र जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी ट्रेड के छात्रों को यहाँ पर टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन और MTS की वैकेंसी में अप्लाई करने का मौका मिला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही गाइज, अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो गाइस देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वे पूरा जो नोटिफिकेशन है 31 पेजेस का नोटिफिकेशन है। इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है दिनांक 16 अगस्त 2023 को। रिक्वायरमेंट फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस, ये एक परमानेंट भर्ती आप लोगों की होने वाली है, जिसको कंडक्ट करवाने वाली हैं NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको कंडक्ट करवाने वाली हैं। आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए क्या कंडीशंस आप लोगों की रहनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि सभी कैंडिडेट इसको एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सुपर इंटेंडेंट के लिए एक पोस्ट है, टेक्नीशियन की 4 पोस्ट हैं, सीनियर टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट की 6 पोस्ट हैं, सीनियर असिस्टेंट की 4 और मल्टी टास्किंग स्टाफ जिसमें ITA पास आउट साथ एलिजिबल करेंगे उसकी 10 पोस्ट हैं, प्लस 4 पोस्टें यहां पर हो जाती हैं आप लोगों की टेक्नीशियन की और 4 पोस्टें हो जाती हैं सीनियर टेक्नीशियन की, यानी कि 18 टोटल पोस्टें जो परमानेंट वैकेंसीज रहने वाली हैं वो ITA पास आउट छात्रों की यहाँ पर हैं। आगे हम देखेंगे फॉर्म फीस जो आपकी लगने वाली है वो लगेगी जनरल OBC जो नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1,000 रुपये रखी हैं। EWS SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस इन्होंने यहाँ पर रखी हैं। बात करेंगे सीधे क्वालिफिकेशन की तो मैं लेकर चलूँगा इसको सीधी ITA की पोस्ट पर, जो कि है टेक्नीशियन की पोस्ट। यहाँ पर टेक्नीशियन की जो रिक्वायरमेंट है इसमें कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ग्रुप 1 में यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है कि डिप्लोमा जिन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ है वो, इसके साथ ही एडवांस डिप्लोमा कोर्स जिन्होंने किया है वो, और या फिर अगर आप लोगों ने ITA पास आउट किया हुआ है, ITA कोर्स आपने किया हुआ है, कौन कौन सी ट्रेड से तो देख लो, फाउंड्री मेन ट्रेड से अगर आपने ITA पास आउट किया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख दूँ कौन सी पोस्ट है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, ठीक है, टेक्नीशियन की पोस्ट है। अगर आपने ITA फाउंड्री मेन से किया है, फाउंड्री मेन के साथ साथ फोर्जर, हीट ट्रीटर मशीनिस्ट, इसके बाद CNC ऑपरेटर, फिटर, पैटर्न मेकर के बाद ड्राफ्टमैन, इसके बाद वेल्डर, अलोंग विथ 2 ईयर ऑफ प्रीवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आप लोगों ने इससे ITI के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी इन्होंने यहाँ पर मांगा है। 2 साल का एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 1 साल की अप्रेंटिसिप आपकी चल जाएगी, और 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपने अप्रेंटिसिप किया हुआ है और 5 साल का रिवेलेंट एक्सपीरियंस है किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री का तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो इन्होंने ग्रुप 2 में बताया हुआ है, फिर से इसी पोस्ट के लिए टेक्नीशियन के लिए ITA पास आउट छात्र एलिजिबल हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स अलोंग विद 2 साल का एक्सपीरियंस जिसमें 1 साल की अप्रेंटिसिप इंक्लूड होगी और 5 साल वर्क एक्सपीरियंस इन प्राइवेट इंडस्ट्रीज से हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट हैं वो आपकी रहेंगी सीनियर टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन की बात हमने कर ली है। सीनियर टेक्नीशियन के लिए ITA पास आउट छात्रों को इसमें भी मांगा है वो है पास इन ITA कोर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन फाउंड्री मैन, फोर्जर, हीट ट्रीटर, मशीनिस्ट, CNC ऑपरेटर, फिटर और पैटर्न मेकर, ड्राफ्टमैन, वेल्डर अलोंग विद 7 ईयर ऑफ रिवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 1 ईयर अप्रेंटिसिप, यानी कि 1 साल की अप्रेंटिसिप हो तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस, और अगर आपने सिर्फ ITA पास आउट किया हुआ है 2 ईयर ट्रेड का तो आपको यहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, बिकॉज ये जो पोस्ट है ये सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो इसके लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए वो भी जो
वही कैंडिडेट करेंगे जिनके पास प्राइवेट इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा अनुभव है। दूसरी पोस्ट है यहाँ पर उसी पोस्ट के लिए सीनियर टेक्नीशियन के लिए इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स अलोंग विद 7 ईयर रिवेलेंट एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर पाएंगे। इसमें इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन दोनों में ये ट्रेड अलग से ग्रुप बी में इन्होंने ग्रुप टू में दी हुई है। ठीक है, आगे हम देखेंगे एमटीएस की पोस्ट पर जिसके लिए भी आईटीआई पास आउट छात्र ही इलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वो यहाँ पर हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, 10th+ आप लोगों के पास आईटीआई होना चाहिए, डिज़ायरेबल हैं इन्होंने बताया है। 10th से भी आप इलिजिबल हैं, 10वीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो वो डिज़ायरेबल हैं। अगर आपने आईटीआई भी किया हुआ है जैसे कि फाउंड्रीमैन, फोर्जर, हीट ट्रीटमेंट मशीनिस्ट, सीएनसी ऑपरेटर, टर्नर, फिटर, पैटर्न मेकर, ड्राफ्टमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट ट्रेड्स, जो भी ट्रेड हैं आप लोगों के पास मैकेनिकल की सारी ट्रेड्स हैं, आप एमटीएस के लिए भी इलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने सिर्फ 12th पास आउट भी हैं तो भी आप इलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। पोर्शन आगे आप सैलरी वगैरह देखेंगे तो टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा और ये भर्ती पूरी तरह से परमानेंट भर्ती है। प्रोबेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, 2 साल प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाता है हर सरकारी भर्ती में, 2 या 3 साल भी हो सकता है प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 19,000 लेवल 2 की सैलरी 19,900 से 63,200 रुपये पर मंथ, और सीनियर टेक्नीशियन के लिए 25,500 से 81,100 रुपये पर मंथ सैलरी आपको मिलने वाली है लेवल 4 की, और एमटीएस के लिए 18,000 रुपये लेवल 1 की सैलरी आप लोगों को इसमें मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई कौन कौन कर सकता है देख लीजिएगा, सिटीज़न ऑफ इंडिया यानी कि ये जो रिक्वायरमेंट है ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए हैं, सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, सारे कैंडिडेट जो हैं इसको एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो लिंक है इसका ऑफिशियल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये पूरा 31 पेज का नोटिफिकेशन है जिसमें नीचे सिलेबस भी दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं सिलेबस भी देखना इसका तो सिलेबस भी आप नीचे जा कर के देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स भी हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स पर मैं लेकर चलता हूँ। इसके जो फॉर्म आप लोगों के स्टार्ट होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो यहाँ पर 17 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 17 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म जो क्लोज होंगे 6 सितंबर तक चलेंगे। ठीक है, 17-8-2023 से लेकर के 6-9-2023 तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं, आपको इसके बीच में फॉर्म अप्लाई कर देना है। ऑफिशियल जो लिंक है फॉर्म अप्लाई करने का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड इन्होंने दिया हुआ है कि स्क्रीनिंग टेस्ट आप लोगों का होगा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के लिए, सभी अलग अलग होंगे। फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको यहां पर बुलाया जाएगा, अलग अलग रेशियो में यहां पर बुलाने वाले हैं। पूरी डिटेल नोटिफिकेशन में दी हुई है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है वैसे ही। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। ये सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है टेक्नीशियन का और सीनियर टेक्नीशियन का, आप देख लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक नई जो गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ जो रहेगी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्ती की अपडेट, तब तक के लिए बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर से ज्वाइन कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। बाय दोस्तों, लव विल टेक केयर, जय हिंद जय भारत।